चैनल कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज बात कर लेते हैं दो सनस्क्रीन के बारे में जो कि है सेम ब्रांड से, एंड दिस इज द डर्माको 1% हाइलोनोरिक टिंटेड सनस्क्रीन एंड दिस वन इज 1% हाइलोनोरिक सनस्क्रीन विथ एक्वा जेल। सो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सी स्किन टाइप के लिए अच्छा है, इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। सो या मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, थोड़ा सा भी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज डू subscribe my channel, it means a lot to me guys। And yes, video start करने से पहले एक disclaimer दे देती हूँ, this is not a sponsor video। कोई भी brand ने मुझे product नहीं भेजे हैं, मैंने खुद ने buy किए हैं और खुद ने ही दोनों को use किया है। इनफैक्ट इसका तो डिटेल रिव्यू वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, बट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिटेल वीडियो डालने का मुझे टाइम नहीं मिला। मतलब अभी आई थिंक 7 से 10 दिन ही हुए हैं मुझे यूज करते करते, तो मैंने सोचा कि चलो यार कंपेरिजन ही कर लेते हैं, उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए। सो पहले बात कर लेते हैं इनकी पैकेजिंग के बारे में। सो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो पैकेजिंग दोनों की ही सेम है, व्हाइट कलर की इस तरह की बॉटल है और यहाँ से आपको इस तरह का ये पंप वाला मिलेगा। सो दोनों की पैकेजिंग एकदम सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बात करें क्वांटिटी की, सो दोनों की क्वांटिटी भी आपको 50 ग्राम मिलेगी, बट प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। सो ये जो एक्वा जेल वाला सनस्क्रीन है इसकी एमआरपी है 499 रुपीज, एंड ये जो टिंट वाला सनस्क्रीन है इसकी एमआरपी है 699 रुपीज। सो ऑलमोस्ट 200 रुपए का इन दोनों में अंतर है। अभी बात करते हैं कि 200 रुपए का अंतर क्यों है भाई, क्या ऐसा है इसके अंदर की इसमें नहीं है। सो इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर हम चेक करते हैं, सो दोनों में ही हाइलोनोरिक एसिड है 1%, जिंक ऑक्साइड है एंड टाइटेनियम डीऑक्साइड है, तो दोनों के ही इंग्रेडिएंट सिमिलर है। एंड जब भी मैं सनस्क्रीन का वीडियो बनाती हूँ, आपको हमेशा बोलती हूँ कि सनस्क्रीन मतलब एसपीएफ के साथ साथ जिंक और टाइटेनियम डीऑक्साइड होना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो सनस्क्रीन आपकी स्किन पे वर्क करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। सो दोनों में ही जिंक ऑक्साइड है एंड टाइटेनियम डीऑक्साइड है। सो इंग्रेडिएंट वाइज भी काफी ठीक है, बट ये जो सनस्क्रीन है टिंट वाला जिसकी एमआरपी ज्यादा है वो है एसपीएफ 60 के साथ, एंड दिस इज पीए 4+ फॉर्मूला। 4+ मीन्स कि आप इसको आई थिंक 6 से 7 घंटे रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड ये आपको यूवी एंड यूवीबी दोनों रेस से प्रोटेक्ट करेगा। एंड इसके अंदर है एसपीएफ 50, इसमें SPF 60 था, इसमें SPF 50 है, और ये भी PA 4+ है। दोनों की PA प्लस जो रेटिंग है वो 4 है, दोनों का सेम है, एंड ये SPF 50 है, ये SPF 60 है। सो एंड दोनों ही जो सनस्क्रीन है वो सल्फेट एंड डाई फ्री है, पैराबेन एंड मिनरल ऑयल फ्री है। इनफैक्ट करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की, जो ये 1% हाइलोनोरिक टिंटेड सनस्क्रीन है इसकी कंसिस्टेंसी आपको मिलती है कुछ इस तरह की। सो ये ना नॉर्मली जो सिलिकन बेस वाले सनस्क्रीन आते हैं ना, जिनकी थोड़ी सी ऐसे टेक्सचर वाली मतलब एकदम सिलिकन वाली कंसिस्टेंसी होती है वैसी है, एंड हल्का सा इसके अंदर टिंट है। यू कैन सी जब मैं रब कर रही हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा। सो ये ना एकदम आपको जब भी आपको एकदम मैटिफाई फिनिश लुक चाहिए, या आप नॉर्मली कहीं जा रहे हो आपको फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाना है, एकदम टिंट चाहिए अपने फेस पे, उसके लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है कि बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ रहा है, बिल्कुल भी स्टिकी फॉर्मूला नहीं है और बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा फेस पे। एंड अभी बात करते हैं पर्टिकुलर इस वाले के कंसिस्टेंसी की। ये नॉर्मली जैसे हम मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं या अदर जो सनस्क्रीन होती है वैसी इसकी कंसिस्टेंसी है, ये भी बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, नॉर्मली आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, और इसका लुक एंड फील आप देख सकते हो एकदम मतलब हाइड्रेट लग रही है स्किन। यस, अभी हम फेस पे अप्लाई करके देखते हैं। एक साइड में मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज करती हूँ, एक साइड में मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज करती हूँ। बेसिकली जो सनस्क्रीन का काम है कि सन की रेज से आपको प्रोटेक्ट करे, दोनों ही सनस्क्रीन आपको सन की रेज से प्रोटेक्ट करेंगे, एंड दोनों ही सनस्क्रीन ऑयली स्किन के लिए काफी अच्छे हैं क्योंकि दोनों का फॉर्मूला नॉन स्टिकी है, बिल्कुल भी चिपचिपी या बहुत हैवी नहीं लगती है फेस पे या लगाने के बाद, एंड व्हाइट कास्ट वाली प्रॉब्लम भी दोनों के साथ नहीं है। सो यस, एक साइड मैंने फेस पे ये वाला सनस्क्रीन लगाया है और एक साइड में यूज कर रही हूँ ये एक्वा जेल वाला सनस्क्रीन। सो दोनों में आप देख सकते हो, इधर जो मैंने ये टिंट वाला सनस्क्रीन लगाया है इससे मुझे एक फिनिश मिली है। ये नहीं मैं बोलूंगी कि मेरे एक्ने स्कार्स या पिगमेंटेशन या सबको हाइड किया इसने, बट यस एक फिनिश लुक दिया है। सो नॉर्मली मैं इसको लगा के एक अच्छा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती हूँ अपने फेस पे, सो आई एम रेडी टू गो, लाइक मुझे अदर से कोई भी मेकअप वेकअप करने की जरूरत नहीं है, एक फिनिश लुक मिला है फेस पे। एंड इसको यूज करने के बाद यू कैन सी लाइक स्किन एकदम ग्लोई ड्यूई लग रही है, सच बहुत फिनिश लुक तो नहीं आया है, बट जो एक होता ना अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा के जो एक लुक आता है ड्यूई सा ग्लोई सा, वैसा लुक आया है। सो यस, नॉर्मली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप नॉर्मल डेली में लगाना चाहते हो घर पे तो आप ये वाला सनस्क्रीन फॉर श्योर यूज कर सकते हो क्योंकि फॉर्मूला इसका काफी अच्छा है। यस, अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो, आप नहीं चाहते हो कि अपनी स्किन को लेयर अप करो, पहले मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, प्राइमर लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, इन सब स्टेप्स को आप हटाना चाहते हो तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ना ये लाइक नॉर्मली एज अ सिलिकन बेस है तो आपके पोर्स को भी फिल आउट करता है, एक स्मूथ स्किन आपको देता है, साथ में टिंट है तो अलग से आपको फाउंडेशन वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं है, सनस्क्रीन तो ये अपने आप में है ही है। दोनों ही प्रोडक्ट अपने आप में काफी अच्छे हैं,
फॉर लाइट मेकअप यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट एंड फॉर नॉर्मल सनस्क्रीन यू कैन यूज दिस. लाइक बहुत ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए तो ये भी बहुत अच्छा सनस्क्रीन है डर्माको का. एंड ये वाला तो अच्छा है ही है, मतलब मेरा फेवरेट है. कहीं भी मुझे जाना होता है मेकअप नहीं करना, क्योंकि गर्मी में यार मेकअप करना बहुत हेक्टिक लगता है. सो मेकअप के लिए ये वाला मुझे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लगा. सो या गाइज दैट्स ऑल अबाउट इन माई टूडेज वीडियो. आई होप कि आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा. दोनों के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुकी हूँ, एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा. फिर भी कोई डाउट है, संकोच है, सवाल जवाब है तो कॉमेंट में आप मुझे लिख के बता सकते हो, फिर शायद मैं आपको रिप्लाई करूंगी. तो या मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.